Hello students, a very healthy morning to all of you. Today we will start the video of 5th class English Reader chapter 10. We have already done the reading part and book exercise of chapter 10 and now we will start our question answer and word meaning of this chapter. So let's start. Word meaning: peasant, farmer, kisan. हरे वाइल्ड रैबिट खरगोश, क्या जंगली खरगोश. विस्कर्स लॉन्ग स्टिफ हेयर नियर द नोज, जो नोज के नीचे लॉन्ग क्या होते हैं, हेयर होते हैं, वो क्या एक तरह से क्या होती है उनकी मूछे. माउंट क्लिफ ये होता है टीला. क्राउचिंग रेस्टिंग तड़पना. सीज कोट पकड़ना. ड्रैग पुल डालना. बोस्टफुल समवन हु बोस्ट अबाउट वन सेल्फ, अपने आप के बारे में ही डींगे मारना. क्राउन मेड टू वियर अ क्राउन, एक ताज क्या होता है ये ताज जो कि पहनने के लिए बनाया जाता है ना, किसके लिए, किंग वगैरह के लिए. एक्सेप्शनली अनयूजुअली असाधारण. बरोज अ होल मेड बाई रैबिट्स फॉर सेल्टर, जो एक होल बनाया जाता है बिल, क्या बिल, किसके द्वारा, रैबिट्स के द्वारा रहने के लिए. एंड नाउ वी विल स्टार्ट अवर क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट डिड अंकल हैरे बोस्ट ऑफ, अंकल हैरे ने क्या डींगे मारी थी. आंसर हमारा ही बोस्टेड दैट आई हैव बिगर पास एंड लॉन्गर विस्कर्स देन एनीवन ऑफ यू. My teeth are sharper than yours. I don't fear. I am your king. उसने क्या डिंगे हाकी थी कि मेरे पास तुमसे बड़े पंजे हैं, लॉन्ग विस्कर्स हैं, मूछे हैं तुम सबसे, और मेरे जो टीथ है वो शार्पर है तुमसे, और मैं डरता नहीं हूँ और मैं तुम्हारा राजा हूँ. How did Uncle Harry save Auntie Crow? Auntie Crow को Uncle Harry ने कैसे save किया था, कैसे बचाया था. He forgot all mutual issues and run very fast, raising cloud dust. Seeing Uncle Harry, the dogs left Auntie Crow. जब dogs उसके पीछे लग जाते हैं किसके, Auntie Crow के, तो जो खरगोश होता है वो सारे आपसी पारस्परिक जो म्यूचुअल इश्यूज होते हैं वो भूल जाता है और उसके पीछे, किनके पीछे, डॉग्स के पीछे लग जाता है ताकि वो इसको छोड़ देते हैं. और वो कितनी स्पीडली फास्टली क्या दौड़ता है कि वो ऐसा लगता है जैसे कि बादल, धूल ऐसे लगती है जैसे बादल उड़ रहे हो. और उसको जो होता है हैरे रैबिट होता है उसको देखकर डॉग उसको आंटी क्रो को छोड़ देते हैं और फिर क्या होते हैं उसके पीछे लग जाते हैं. मेक सेंटेंसेस ऑफ वरीड एंड बोस्ट, इनके सेंटेंस में यूज करना है वर्ड्स को. तो फर्स्ट हमारा है वरीड. ऑल द रैबिट्स वर वरीड शोइंग हिज माइट्स, क्या हो गए थे, सभी खरगोश डर गए थे, चिंतित हो गए थे, क्या देखकर, उसकी पावर, जब उसने बोस्ट अपनी स्टार्ट की थी ना फर्स्ट में, तो सभी जो रैबिट्स थे वो डर गए थे. बोस्ट वी शुड नेवर बोस्ट, हमें कभी भी क्या नहीं आंकनी चाहिए, डींगे नहीं आंकनी चाहिए, बोस्ट नहीं करना चाहिए. हमारा फोर्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फर्स्ट एनकाउंटर ऑफ आंटी क्रो विद अंकल हैरे, जो फर्स्ट मुठभेड़ थी आंटी क्रो और अंकल हैरे के बीच की, उसको डिस्क्राइब करना है. सींग हर अंकल हैरे रोज अप इन फ्राइट, आई वॉन्ट बोस्ट एनी मोर. आंटी क्रो कॉट हिम बाई द ईयर एंड शुक हिम, डोंट एवर बोस्ट अगेन सैड सी. जो कौन होता है, आंटी क्रो को देखकर जो अंकल हैरे होता है वो जल्दी से उठ जाता है और कहता है कि मैंने कोई बोस्ट, कोई डिंगे नहीं आकी. और फिर आंटी क्रो उसको कान से पकड़ता है और हिलाता है, कहता है कि आगे से ऐसी डिंगे नहीं हाँकना. फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा व्हाई डिड आंटी क्रो रिवार्ड अंकल हैरे इन द एंड. एंड के चैप्टर के एंड में जो आंटी क्रो होता है वो उसको क्या रिवार्ड देता है और क्यों देता है. बिकॉज ही इज अ ब्रेव, सॉरी, बिकॉज ही इज अ ब्रेव
एंड ट्रू फ्रेंड, क्योंकि जो उसको बचा लेता है, सेव कर लेता है एंटी क्रो को हैरे, तो वो सोचता है कि है एक अच्छा बहादुर और सच्चा मित्र है। ही सेव्ड हिम फ्रॉम द डॉग्स, क्योंकि उसने उसको किसे बचाया था, डॉग से सेव किया था। सो स्टूडेंट्स प्लीज राइट दिस क्वेश्चन एंड बुक एक्सरसाइज वर्ड मीनिंग इन योर नोटबुक एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम मनीषा मैम, योर मैथ टीचर फ्रॉम एमएलपी इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा। लेट वी स्टार्ट अवर मैथ्स ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास फिफ्थ। माय डियर स्टूडेंट, इन प्रीवियस क्लास वी डू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट ए से लेके जे तक। टुडे आई विल स्टार्ट फ्रॉम पार्ट के। सो लेट वी स्टार्ट। कन्वर्ट द फॉलोइंग इन टू मीटर। क्वेश्चन फर्स्ट में सभी को मीटर में कन्वर्ट करना है। पार्ट के में हमें गिवन है 5 मीटर 8 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर के होता है। नाउ 5 मीटर 8 मिलीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर सेम रहेगा, प्लस 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, 1/1000 मीटर से। नेक्स्ट लाइन में 5 मीटर सेम राइट करेंगे, 8 के नीचे कुछ नहीं था तो हमने 1 माना है। अब ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले डिजिट्स को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8, और 1 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000, 8/1000 मीटर। नाउ 5 मीटर सेम राइट करना है। नेक्स्ट लाइन में 8 को बेटा सेम राइट करना है, और 8 के नीचे कितनी जीरो है, डिनोमिनेटर में 30, तो हम यहाँ पे 3 डिजिट के बाद पॉइंट पुट करेंगे, 20 हम अपनी साइड से राइट कर देंगे पॉइंट। अब 3 डिजिट्स हो गई, अब 0 एज रोल नंबर राइट कर देंगे, पीछे मीटर लगाना है। अब इनको आपको साइड में आप ऐड करके राइट कर सकते हैं, ये आपका रफ वर्क है, इसको नोटबुक में पीछे करना है। क्या आंसर आया बेटा, 5.008 मीटर। I think you understand. Now we do next part. Part L. Part L में हमें given है 7 dm 9 cm. 1 dm is equal to 1/10 meter के, और 1 cm is equal to 1/100 meter के। Now question में given उसको same write करना है। यहाँ पे 7 dm 9 cm is equal to 7 के साथ क्या लिखा हुआ है, dm, तो यहाँ में यहाँ dm की value write करनी है, 1/10 meter plus 9 के साथ क्या लिखा हुआ है, सेंटीमीटर, तो हमें यहाँ सेंटीमीटर वाली वैल्यू राइट करनी है, 1/100 मीटर। अब हमने 7 के नीचे भी 1 माना और 9 के नीचे भी 1 माना, अब ऊपर वाले डिजिट्स को ऊपर मल्टीप्लाई करना है, 7 × 7 और नीचे को नीचे से, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 7/10 मीटर प्लस सेम ऐसा ही 9 × 9 और 1 को 100 से मल्टीप्लाई किया 9/100 मीटर। नाउ 7 सेम राइट करना है, 7 के नीचे क्या है 10 में 101 डिजिट के बाद पॉइंट पुट कर देंगे, 0.7 मीटर प्लस 9 सेम राइट करेंगे, 9 के नीचे क्या है 100, इसमें 20 है, 2 डिजिट्स के बाद राइट साइड से 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट पुट कर देंगे, क्या आया 0.009 मीटर। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या आएगा 0.79 मीटर। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर एम सेम क्वेश्चन नंबर एल के जैसा है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद करना है। नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एन। क्वेश्चन नंबर एन में हमें गिवन है 14 किलोमीटर 3 डेसीमीटर। 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है, 1000 मीटर के, एंड 1 डेसीमीटर किसके इक्वल होगा, 1/10 मीटर के। नाउ 14 किलोमीटर 3 डेसीमीटर को हमें कन्वर्ट करना है, 14 मल्टीप्लाई 14 के साथ आप किलोमीटर राइट नहीं करेंगे, क्या राइट करेंगे 1000 मीटर प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 के साथ क्या राइट करेंगे 1/10 मीटर। नाउ 14 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 14000 मीटर प्लस 3 × 3 और 1 × 10 मीटर। नाउ 14000 मीटर प्लस 3 को सेम राइट करना है, 3 के नीचे 10 है तो 1 डिजिट के बाद हमें पॉइंट पुट करना है, तो क्या आएगा 0.3 मीटर इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करके राइट करना है, क्या आएगा 14000.3 मीटर। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट ओ, 26 मीटर 7 डेसीमीटर। मीटर सेम रहेगा, इसमें आपको मीटर को चेंज नहीं करना है, किसको चेंज करेंगे, डेसीमीटर को किसके अंदर चेंज करेंगे, मीटर के अंदर। 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1/10 मीटर के। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आप 7 डेसीमीटर को 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 26 मीटर आपका सेम रहेगा, ये क्वेश्चन आपको आगे खुद सोल्व करना है। सो आई थिंक फ्रेंड्स यू अंडरस्टैंड, सो यू कैन इजिली डू रिमेनिंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर एम और क्वेश्चन नंबर ओ। फ्रेंड्स ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क के हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल स्टार्ट योर SST क्लास ऑनलाइन. डियर स्टूडेंट्स, फॉर क्लास 5th, टुडे इज अवर टॉपिक इज चैप्टर नंबर 6, द टेम्परेट जोन. डियर स्टूडेंट्स, इन अवर प्रीवियस वीडियो वी विल डिस्कस दिस चैप्टर एंड वी रीड द लोकेशन ऑफ द टेम्परेट जोन एंड क्लाइमेट एंड द वेजिटेशन. टुडे वी विल रीड द वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ मीनिंग होता है जंगली जीवन या जंगल में जो जीवन होता है वो वन्य जीवन. ए लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स लाइक रैबिट्स, हॉर्स, स्कंक्स, एंटेलोप्स आर फाउंड हेयर. यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं जैसे रैबिट, हॉर्सेज एक्सेट्रा. अपार्ट फ्रॉम दीज एनिमल्स वोल्फ, कोयोट्स, फॉक्सेज, बैगर्स, माइस एंड डॉग्स आर ऑल्सो फाउंड हेयर. यहाँ पर और भी जो जंगली जानवर हैं या जानवर से वो पाए जाते हैं जैसे फॉक्सेज हैं, बैगर्स हैं, माइस या डॉग्स. सम कॉमन बर्ड्स ऑफ द टेम्परेट जोन इंक्लूड आउल, ईगल, बेस्टर्ड एंड फ्लैकन्स. यहाँ पर और जो कॉमन जो बर्ड्स हैं वो कौन कौन सी हैं, आउल, ईगल, बेस्टर्स, फ्लैंस, हॉक्स. रैटल स्नेक एंड बुल स्नेक्स आर कॉमन हेयर. रैटल स्नेक्स और बुल स्नेक्स जो है वो यहाँ पर कॉमन हैं, अधिक पाए जाते हैं. द प्रेरीज ग्रासलैंड्स वर वंस द होम ऑफ मिलियन ऑफ बिशंस. जो प्रेरीज ग्रासलैंड्स हैं वो एक ऐसा क्षेत्र है जो मिलियंस ऑफ बिशंस का घर है. बट दे आर नाउ ए प्रोटेक्टेड पीस. प्रोटेक्टेड पीस यानी कि जो बिशंस हैं वो यहाँ पर सुरक्षित करने वाले पीसीज हैं. पीपल हैव किल्ड देम फॉर देयर टेस्टी मीट एंड हाइड स्किन. लोग क्या करते हैं, उनको उनके प्रोटेक्शन की ज़रूरत क्यों है बिशंस की, क्योंकि लोग जो है वो इनके टेस्टी मीट को खाने के लिए और इनकी अपनी स्किन को ढकने के लिए इनकी जो खाल छाल है उसको उतार लेते हैं. तो उसके लिए इनको सुरक्षित करने की ज़रूरत है बिशंस को. लाइफ ऑफ पीपल. फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ प्रेरीज. प्रेरीज रीजन में जो लोग रहते हैं उनके लिए कृषि जो है वो मुख्य व्यवसाय है. वट इज़ द मेन क्रॉप ऑफ द प्रेरीज. व्हीट इज़ द मेन क्रॉप ऑफ द प्रेरीज. गेहूँ जो है वो प्रेरीज रीजन में सबसे मेन क्रॉप है, बहुत अधिक मात्रा में उगाई जाती है. द फार्मर यूज मॉडर्न टेक्निक्स एंड एक्विपमेंट्स फॉर फार्मिंग. जो किसान हैं वो नवीन तकनीकों का यूज करके यहाँ पर कृषि करते हैं. द प्लगिंग ऑफ लैंड, सोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, थ्रेसरिंग एंड वीविंग्स आर डाउन विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न मशीन्स. यानी कि जमीन को जोतने से लेकर फसल की कटाई या कढ़ाई तक का कार्य मॉडर्न मशीन्स के द्वारा किया जाता है. इन ईच फार्म देर आर स्मॉल होमस्टेड्स वेयर द फार्मर फैमिली एंड फ्यू फार्म वर्कर्स लिव. हर एक जो फार्म है उसके ऊपर एक होमस्टेड बनाया हुआ है यानी कि जिसके अंदर एक किसान की फैमिली और कुछ उसके साथ फार्म पर वर्क करने वाले वर्कर्स रहते हैं. द वीट इज जनरली स्टोर्ड इन ब्रन्स नोन एज एलिवेटर्स. जो वीट है वो जनरली स्टोर किया जाता है बार्न्स में जिसे एलिवेटर के नाम से जानते हैं. अपार्ट फ्रॉम वीट दे ऑल्सो ग्रो मेदे बेरली, ओट्स, राइस एंड ग्रासेस लाइक अल्फाल्फा. यानी कि अल्फाल्फा नाम की ग्रास, बेरली, ओट्स, राई आदि जो फसलें हैं वो यहाँ पर उगाई जाती हैं. द साउदर्न पार्ट ऑफ द प्रेरीज आर द मेन कॉटन ग्रोविंग एरिया ऑफ US. जो साउदर्न पार्ट का एरिया है प्रेरीज का, यहाँ पर मेन जो क्रॉप ग्रो की जाती है वो है कॉटन जो US में है. द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्रेरीज आर द हिली एरिया वेयर द सोइल इज क्रशर, रफ एंड लेस फर्टाइल. जो वेस्टर्न पार्ट है प्रेरीज रीजन का वो हिली क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पर जो सोइल है वो रफ है और कम उपजाऊ है. सो द पीपल लिविंग इन दीज एरिया आर एंगेज इन कैटल रेयरिंग. इसीलिए यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो किस में बिजी रहते हैं, किस में एंगेज रहते हैं, पशु पालन में या पशुओं को चराने में. दे गार्ड देयर एनिमल्स ऑन ओपन ग्रासलैंड्स नोन एज रेंचीज. वो जो फार्मर्स हैं या फिर जो लोग
पशुओं को पालते हैं, एनिमल्स को पालते हैं, वो अपने एनिमल्स को ओपन ग्रासलैंड्स में चराने के लिए भेजते हैं, जिन्हें रेंचेज के नाम से जाना जाता है। दे गेट मीट एंड मिल्क फ्रॉम दीज एनिमल्स, वो जिन एनिमल्स को पालते हैं उनसे मिल्क और मीट प्राप्त करते हैं। इंडस्ट्रीज, मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ द ग्रासलैंड्स आर मीट पैकेजिंग और क्रशिंग, फ्लोर मिल्स एंड ऑयल एक्सट्रैक्टिंग। यानी कि जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं ग्रासलैंड एरिया के अंदर, वो क्या क्या है, मीट पैकेजिंग की और क्रशिंग की, एंड फ्लोर मिल्स और ऑयल एक्सट्रैक्टिंग यानी कि तेल निकालने की। लैंडिंग कोल एंड मिनरल ऑयल आर मेन हेयर इन लार्ज क्वांटिटी। यहाँ पर कोल और मिनरल ऑयल है वो अधिक मात्रा में माइंड किया जाता है, खोदा जाता है, निकाला जाता है लार्ज क्वांटिटी में, अधिक मात्रा में। शिकागो इज द बेस्ट सेंटर ऑफ स्लॉटरिंग एनिमल्स। द प्रोडक्शन ऑफ बीफ इज सो हाई दैट इट इज एक्सपोर्टेड टू अदर यूरोपियन कंट्रीज। यहाँ पर शिकागो के अंदर अधिक मात्रा में जो एनिमल्स हैं, अधिक बहुत बड़ा सेंटर है जहाँ पर एनिमल्स की स्लॉटरिंग की जाती है, जिसके अंदर यहाँ पर अदर जो कंट्रीज हैं यूरोपियन कंट्रीज के अंदर बीफ को एक्सपोर्ट किया जाता है, भेजा जाता है। डेयरी फार्म आर ऑल्सो वेल डेवलप्ड हेयर। डेयरी फार्म जो है वो यहाँ पर अच्छी तरह से डेवलप्ड है, विकसित हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स आफ्टर प्रोसेसिंग आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड टू द यूरोपियन मार्केट्स। डेयरी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रोसेसिंग के बाद में एक्सपोर्ट किया जाता है, भेजा जाता है यूरोपियन मार्केट्स में। द पीपल ऑफ द प्रेरीज आर हार्ड वर्किंग। प्रेरीज जो रीजन के अंदर जो लोग रहते हैं वो बहुत अधिक मेहनती होते हैं। दे अर्न गुड एंड लोड ए लग्जरियस लीड ए लग्जरियस लाइफ। जो यहाँ के लोग हैं वो अच्छा पैसा कमाते हैं और एक लग्जरियस लाइफ, आरामदायक जो जीवन है वो व्यतीत करते हैं। ह्यूज ऑफ एक्सटेंसिव फार्म्स और प्रेरीज हेल्प द फार्मर टू ग्रो ह्यूज क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन। द फ्यूचर ब्रिंग्स मोर मनी टू देम। यहाँ पर जो लोग रहते हैं, फार्मर्स हैं, वो अधिक मात्रा में अनाज का उत्पादन करते हैं और अधिक से अधिक पैसा कमाते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर, यू रीड दिस चैप्टर 2 times। थैंक यू। हेलो, तो आज हम इस डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे थे ना, यहाँ उसका पूरा डायग्राम है। देखो, सबसे पहले स्कल, जो आपका सिर का ये खोपड़ी बोलते हैं वो वाला पोर्शन, ये वर्टिब्रा हड्डियों वाला पोर्शन, जिनके अंदर हड्डियाँ होती हैं उनको उसके अंदर वर्टिब्रा, और जो जिनके अंदर हड्डियाँ नहीं होती उनको इनवर्टिब्राज बोलते हैं। ओके, उसके बाद ये जो रिब के जिससे जुड़ी रहती हैं उसके ये बीच वाली जो हड्डी है इसको स्टर्नम बोलते हैं, जो फ्लैट टाइप की आपकी दिख रही है, और ये अगल बगल ये सारी रिब के जिससे जुड़ी रहती हैं, और ये रिब्स आपकी जो 12 पेयर्स की दिख रही हैं इनको रिब्स बोला जाता है। ये जॉइंट्स आपका शोल्डर वाला है तो शोल्डर, ये आपका पूरे पेयर्स को जो पूरे पेयर्स का जॉइंट होता है ये यहाँ से यहाँ तक उसको रिब केज, और आपके हैंड की जो दो जॉइंट होते हैं एक ऊपर वाला और नहीं नीचे वाला, तो ऊपर वाले में 1 bone होती है जिसको हम ह्यूमरस कहते हैं, और नीचे वाले में 2 bone होती है जिसे हम यहाँ पे देखिए रेडियस और अल्ना कह रखा है ना, रेडियस और अल्ना कहते हैं। नीचे वाली जो बैकबोन आई हुई है उसे स्पाइन, और जो आपकी हिप बोन की पैल्विस, हिप बोन की जो आ जाती है उसे पैल्विस बोलते हैं, और ये थाई बोन है। जैसे कि आपको पता है सबसे स्ट्रांगेस्ट और लॉन्गेस्ट आपकी फीमर हड्डी होती है, ये फीमर वाली बोन जो आपकी थाई बोन कहते हैं सबसे ज़्यादा स्ट्रांगेस्ट होती है। इस पे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि सबसे ज़्यादा स्ट्रांगेस्ट बोन आपकी कौन सी है, तो फीमर। उसके बाद आपका ये नी पार्ट है, नी, और ये आपका जो जैसे ऊपर यहाँ पे दो थी बोन्स, तो एक को रेडियस एक को अल्ना कहा था, ऐसे नीचे यहाँ पे 2 bones हैं, एक को टीबिया और ये पतली वाली को फाइबुला कहते हैं। ओके, तो ये आपका स्केलेटल सिस्टम है, इसको आपको अच्छे से रिवाइज करना है। उसके बाद है स्कल, अब स्कल के बारे में पढ़ते हैं। देयर आर 22 bones इन द स्कल विच प्रोटेक्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन द ब्रेन। यहाँ पे कम से कम 22 bones आपकी स्कल के अंदर होती हैं, जो स्कल का काम क्या है,
आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है आपका कौन सा है, ब्रेन, ये उसकी रक्षा, उसको प्रोटेक्शन करता है। एक्सेप्ट द लोअर जॉ, ऑल द बोन्स ऑफ द स्कल्स आर फिक्स्ड, लोअर जॉ और ऑल द आपकी जो लोअर जॉ जो फिक्स नहीं होती, बाकी आपकी सारी स्कल में आप जैसे ये देख रखे हैं ये सारे फिक्स होती है, क्योंकि लोअर जॉ आपकी जो फिक्स नीचे की तरफ की नहीं होती वो आप में किसकी में हेल्प करती है, आपको खाना खाने में और बोलने में। देखते हो ना आप जब बोलते हो या खाते हो तो आपका नीचे वाला मुंह का पोर्शन हिलता है। यस, अब नेक्स्ट नेक्स्ट है आपके रिब्स, देयर इज अ केज ऑफ बोन्स अराउंड द चेस्ट विच इज कॉल्ड द रिब केज। यहाँ पे आपको जो ये पिंजरा केज लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपके चेस्ट के आपके सीने के बगल में, उसको हम पूरे पेयर्स को रिब केज कहते हैं। द रिब केज प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड द लंग्स, रिब केज क्या काम करता है, आपके अंदर के हार्ट और लंग्स की प्रोटेक्शन करता है, उनकी रक्षा करता है। इट इज मेड अप ऑफ 12 पेयर्स, इसके अंदर कितने पेयर्स होते हैं, 12 पेयर्स होते हैं, ऑफ थिन कर्व बोन्स विच आर अटैच टू द बैक बोन एट द बैक एंड टू फ्लैट बोन कॉल्ड स्टर्नम इन द फ्रंट। ये किससे अटैच होता है, आपके बैक से, और जो सामने ये फ्लैट बोन दे रखी है जिसको मैंने अभी बताया था स्टर्नम कहते हैं फ्रंट में, उससे अटैच होती है। हाउएवर द लास्ट टू पेयर्स ऑफ रिब्स आर नॉट अटैच टू द स्टर्नम एंड हैंस आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। और जैसे आप ये डायग्राम में देख रहे हैं लास्ट की टू बोन्स हैं जो ये अटैच नहीं होती इससे, इसको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। फ्लोटिंग मतलब अस्थिर, जो स्थिर नहीं है, क्योंकि ये इससे टच नहीं है ना, ये अलग सी है इसलिए, तो ये याद रखना लास्ट की टू बोन्स को हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। उसके बाद है बैक बोन, अ सीरीज ऑफ स्मॉल बोन्स फ्रॉम बैक बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, दीज आर कॉल्ड वर्टिब्रा और द वर्टिब्रल प्रॉब्लम्स। जो छोटी छोटी हड्डियां जैसे कि आप ये डायग्राम्स में देख रहे हो आपके पीछे की तरफ जो ह्यूमन बॉडी में होती हैं, इसको हम वर्टिब्रास कहते हैं या तो वर्टिब्रल कॉलम भी कह सकते हैं। इट इज ए स्ट्रॉन्ग कॉलम विच इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स। ये बहुत हमारे शरीर का इम्पॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग कॉलम होता है, भाग होता है, क्योंकि ये 33 स्मॉल बोन्स से मिलकर बना होता है। द वर्टिब्रा आर हॉलो इन सेंटर, ये बीच में से हॉलो, ये थोड़ा थोड़ा खाली होता है, एंड प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, और ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा करता है। द स्कल अटैच टू द स्पाइन और द बैक बोन थ्रू दिस वर्टिब्रा। जो स्कल होता है वो अटैच होता है हमारे स्पाइन से और जो पीछे की जो बैक बोन के हड्डियों से, ओके, जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर है जो हम कल पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू MLP YouTube ऑनलाइन क्लासेज। आई एम अनु यादव, योर GK टीचर फ्रॉम 5th क्लास स्टूडेंट्स। टुडे वी डिस्कस अवर चैप्टर नंबर 27 इंडियन मैथोलॉजी। इंडियन मैथोलॉजी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर नंबर 27 में, सो लेट्स स्टार्ट। इंडियन मैथोलॉजी कॉन्टेंट्स अ लॉट ऑफ मैथोलॉजिकल बुक्स, हमारी इंडियन मैथोलॉजी में काफ़ी सारी मैथोलॉजिकल बुक्स हैं। ईच बुक डिस्क्राइब अबाउट सम गॉड, गोडेसिस और गुरु, हर एक बुक जो है वो हमारे गॉड, देवी देवता और गुरु के बारे में डिस्क्राइब करती है, बताती है। फिल इन द ब्लैंक्स, स्टूडेंट्स हमारे पास चैप्टर के एंड में आप देख सकते हैं कुछ क्लू बॉक्स गिवन है, इसमें कुछ नेम्स गिवन है, इसकी हेल्प से हमें अपना फिलअप्स फिल करने हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज डैश डिस्क्राइब अबाउट द लाइफ ऑफ लॉर्ड रामा, ऐसी कौन सी बुक है जो भगवान राम की लाइफ के बारे में डिस्क्राइब करती है, उसकी लाइफ के बारे में हमें बताती है, उस बुक का नेम बताना है। इट इज रामायण, रामायण डिस्क्राइब अबाउट द लाइफ ऑफ लॉर्ड रामा, सो राइट हेयर रामायण, RAMAYAN रामायण, रामायण डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ लॉर्ड रामा। नेक्स्ट वन इज गीता डैश डिस्क्राइब अबाउट द प्रीचिंग ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा के बारे में हमें कौन सी बुक डिस्क्राइब करती है, कौन सी बुक हमें बताती है। यस, गीता, जो गीता हमारा, जो गीता हमारी बुक है, हमारा ग्रंथ है जो गीता, वो हमें किसके बारे में बताती है, लॉर्ड कृष्णा के बारे में, भगवान कृष्णा के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में हमें डिस्क्राइब करती है। थर्ड वन इज शिव पुराण डिस्क्राइब अबाउट द डैश,
जो शिव पुराण जो बुक है वो कौन से भगवान के बारे में हमें बताती है, डिस्क्राइब करती है, कौन से भगवान को उनकी लाइफ के बारे में बताती है? यस, लॉर्ड शिवा। जो शिवा पुराण जो ग्रंथ है वो लॉर्ड शिवा के बारे में हमें बताती है। LORD लॉर्ड, SHIVA शिवा। सो राइट हेयर लॉर्ड शिवा, LORD लॉर्ड, SHIVA शिवा, लॉर्ड शिवा। फोर्थ वन इज डैश टेल अबाउट द प्रीचिंग ऑफ गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी के बारे में कौन सा ग्रंथ हमें बताता है, कौन सी बुक बताती है? ग्रंथ साहिब। ग्रंथ साहिब इज अ बुक इज डिस्क्राइब अबाउट द लाइफ ऑफ गुरु नानक देव जी। सो राइट हेयर गुरु, सो राइट हेयर ग्रंथ साहिब, GRANTH ग्रंथ, SAHIB साहिब, ग्रंथ साहिब। फिफ्थ इज डैश इज द बुक ऑफ मुस्लिम्स। मुस्लिम की जो बुक होती है, ग्रंथ होता है, उसको नेम हमें राइट करना है कुरान, KURAN कुरान। कुरान इज द बुक ऑफ मुस्लिम। जो कुरान है वो मुस्लिम की बुक है। नेक्स्ट वन इज डैश किडनैप्ड सीता। सीता जी का हरण किसने किया था? सीता जी को किडनैप किसने किया था? रावण, RAVANA रावण। रावण जो है उन्होंने सीता जी का हरण किया था, उनको किडनैप किया था। सो राइट रावण, RAVAN रावण। जो सिक्स नंबर है उसके फिलअप में हम रावण राइट करेंगे। नेक्स्ट इज डैश वाज द मदर ऑफ भरत। जो भरत, जो हमारी रामायण है, रामायण की बुक जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें सारे कैरेक्टर के बारे में पता चलता है। भरत जो भगवान राम के भाई थे, कजन थे, उनकी मदर का नेम हमें बताना है, वो क्या है? केकई, केकई, KAIKAYEE, केकई वाज द मदर ऑफ भरत। भरत की माँ का नाम क्या था? केकई। सो राइट नंबर सेवन, KAIKAYEE, केकई। एट्थ वन इज अर्जुन वाज द डैश। अर्जुन क्या थे? पांडव, PANDAV पांडव। अर्जुन क्या थे? पांडव थे। डैश वाज द फादर ऑफ दुर्योधन। दुर्योधन के फादर का नेम हमें राइट करना है, यस, धृतराष्ट्र, DHRITRASHTRA धृतराष्ट्र वाज द फादर ऑफ दुर्योधन। दुर्योधन जी के पिताजी का नाम क्या है, क्या था? धृतराष्ट्र, DHRITRASHTRA धृतराष्ट्र। डैश वाज द वाइफ ऑफ रावण। रावण की वाइफ का क्या था? रावण कौन था जिन्होंने सीता जी का अपहरण किया था? सीता कौन थी? भगवान राम की वाइफ। उनका किडनैप किसने किया था? रावण ने। एंड रावण की जो वाइफ थी उनका नाम क्या था? मंदोदरी, MANDODARI मंदोदरी वाज द वाइफ ऑफ रावण। रावण की वाइफ का नाम क्या था? मंदोदरी। स्टूडेंट्स लेट्स रिवाइज अगेन। फर्स्ट वन इज रामायण डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ लॉर्ड रामा। जो रामायण हमारी जो ग्रंथ है, जो बुक है, हिंदू की जो ग्रंथ है, फेमस ग्रंथ, उसमें जो होली बुक भी बोलते हैं हिंदू की रामायण, उसमें जो भगवान राम हैं उनकी लाइफ के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। नेक्स्ट वन इज गीता डिस्क्राइब्स अबाउट द प्रीचिंग ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। लॉर्ड श्री कृष्णा की लाइफ के बारे में किसने डिस्क्राइब किया गया है, किसमें, कौन से ग्रंथ में? गीता में। थर्ड वन इज शिवा पुराण डिस्क्राइब अबाउट द लॉर्ड शिवा। जो शिव पुराण है उसमें कौन से भगवान के बारे में डिस्क्राइब किया है? लॉर्ड शिवा के बारे में। ग्रंथ साहिब टेल अबाउट द प्रीचिंग ऑफ गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी की लाइफ के बारे में किसमें डिस्क्राइब किया? ग्रंथ साहिब में, ग्रंथ साहिब बुक में डिस्क्राइब किया गया। कुरान इज द बुक ऑफ मुस्लिम। मुस्लिम की बुक का नेम क्या है? कुरान। रावण किडनैप सीता। रावण, सीता का हरण किसने किया था? रावण ने किया था। नेक्स्ट वन इज केकई वाज द मदर ऑफ भारत। भारत की मदर का नाम क्या था? केकई। अर्जुन वाज द पांडव। अर्जुन क्या थे? पांडव थे। धृतराष्ट्र वाज द फादर ऑफ दुर्योधन। दुर्योधन के पिताजी का नाम क्या था? धृतराष्ट्र। एंड लास्ट वन इज मंदोदरी वाज द वाइफ ऑफ रावण। रावण की वाइफ का नाम क्या था? मंदोदरी। स्टूडेंट्स टुडे वी डिस्कस अवर चैप्टर नंबर
27 इंडिया मैथोलॉजी। इंडिया मैथोलॉजी के बारे में आज हमने डिस्कस किया है। आई होप यू अंडरस्टैंड आवर टॉपिक इंडियन मैथोलॉजी। आपको इंडियन मैथोलॉजी का ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। फिल इट इन योर बुक एंड ऑल्सो लर्न दिस चैप्टर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका, MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, आज कक्षा 5वीं में मैं कराऊंगी आपको पाठ 11, महाराणा प्रताप। पहले हम इस पाठ को पढ़ेंगे। भारतवर्ष में अनेक ऐसे देशभक्त हुए हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि यानी अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। न्योछावर करना होता है कुर्बान करना। उनमें महाराणा प्रताप का नाम अग्रणीय है। अग्रणीय यानी कि सबसे आगे है। महाराणा प्रताप का जन्म 31 मई 1539 को राजस्थान के उदयपुर जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था उनका जन्म? राजस्थान के उदयपुर जिले में। और कब हुआ था? 31 मई 1539 को। इनके पिता का नाम उदय सिंह तथा दादा का नाम राणा सांगा था। महाराणा प्रताप का लंबा कद, चौड़ी छाती, बड़ी बड़ी आँखें, भरा हुआ चेहरा, घनी मूछें उनके व्यक्तित्व को बहुत आकर्षक बनाती थी। उनकी नस नस में राणा सांगा की वीरता और दिल में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह युद्ध कला में प्रवीण थे। प्रवीण यानी निपुण। तीर चलाना और घुड़सवारी करना उनके शौक थे। महाराणा सांगा ने मुगल सम्राट बाबर से टक्कर ली थी और महाराणा प्रताप ने अकबर जैसे महाबलशाली बादशाह की अधीनता स्वीकार न कर उसकी नाक में दम कर रखा था। उनके पिता उदय सिंह के शासनकाल में शिवपुर, कोटा और चित्तौड़ जैसे दुर्गों पर अकबर का आधिपत्य था। आधिपत्य यानी अधिकार। राजपूतों को मेवाड़ का यह पतन असहनीय था। चूंकि उदय सिंह की छवि एक विलासी राजा की थी, इसलिए सबकी दृष्टि प्रताप पर थी, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने राणा सांगा के शौर्य और पद्मिनी के जौहर की कहानियां सुनी थी। उनकी धारणा थी कि राजपूतों का धर्म देश के लिए जीवन की आहुति देना है, यानी कि अपने जीवन को देश के लिए कुर्बान कर देना है। प्रताप ने चित्तौड़ की दुर्दशा स्वयं देखी थी, इसलिए उन्होंने प्रण किया था कि चित्तौड़ को वापस लेकर रहेंगे। 3 मार्च 1572 को महाराणा प्रताप को मेवाड़ के सिंहासन पर बैठाया गया। तो कब बैठाया गया था उनको मेवाड़ के सिंहासन पर? 3 मार्च 1572 को। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि चित्तौड़ का उद्धार उनका लक्ष्य है और बलिदान उनका मार्ग। क्या प्रतिज्ञा ली थी उन्होंने? कि चित्तौड़ को का उद्धार करना यानी कि उसको मुगलों से आज़ाद करवाना ही उनका लक्ष्य है। जब तक चित्तौड़ स्वतंत्र न होगा तब तक वे सोने चांदी के बर्तनों में भोजन नहीं करेंगे, न कोमल सैया पर सोएंगे, न राजमहलों में वास करेंगे और न ही कोई उत्सव मनाएंगे। उन्होंने अपना सारा जीवन देश की शान, धर्म की आन और जाति के मान की रक्षा करते हुए जंगलों और पहाड़ों में व्यतीत कर दिया। एक बार अकबर के सेनापति मानसिंह के मन में विचार आया कि महाराणा प्रताप से भेंट कर ले, यानी कि मिल ले। शायद उनकी मान मर्यादा से प्रभावित होकर वे अकबर से मैत्री कर ले। मैत्री करना मतलब दोस्ती करना, मित्रता करना। इतिहासकारों के अनुसार मानसिंह ने महाराणा प्रताप को समझाने का प्रयास किया और कहा कि अकबर हिंदू हितैषी है, यानी हिंदुओं की भलाई चाहने वाला है, इसलिए वे मित्रता के योग्य हैं, वरना उनसे युद्ध करके अपना ही नाश करना है। परंतु महाराणा प्रताप नहीं माने और अपनी बात पर अडिग रहे। महाराणा प्रताप का ऐसा व्यवहार देखकर मानसिंह चुप हो गए, परंतु भोजन का निमंत्रण
स्वीकार कर लिया। जब मानसिंह भोजन पर आए तो अपने स्वागत के लिए महाराणा प्रताप को न पाकर चकित रह गए। पूछने पर राणा ने पहले तो सिरदर्द का बहाना बना दिया, फिर स्पष्ट कहलवा भेजा, जिसने तुर्कों से रोटी बेटी का संबंध किया है, मैं ऐसे के साथ भोजन करना अपना और अपने कुल का अपमान समझता हूँ। इस पर अपमानित मानसिंह ने जाते समय कहा, मैंने तुम्हारे मान के लिए अपने मान को तिलांजलि दी। तिलांजलि देना होता है छोड़ देना। अब तुम्हारा मान मर्दन न करूं तो मेरा नाम मानसिंह नहीं। मान मर्दन करना क्या होता है? सम्मान को नष्ट करना। महाराणा प्रताप ने उत्तर दिया, अगली बार तुम्हारा स्वागत युद्ध भूमि में तलवार से ही करूंगा। मानसिंह को अपमानित देखकर अकबर ने राणा प्रताप को नीचा दिखाना चाहा। मानसिंह के सेनापतित्व में मुगलों ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। राणा प्रताप के पास केवल मुट्ठी भर सैनिक थे। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी में घोर युद्ध हुआ। राजपूतों ने मुगलों को युद्ध में लोहे के चने चबवा दिए। लोहे के चने चबवाना यानी कि बहुत अधिक परेशान करना होता है। इसी युद्ध में जब राणा ने एड लगाई तो उनका वीर घोड़ा चेतक मानसिंह के हाथी पर उछला। जो ही उसके अगले टाप हाथी के मस्तक पर पड़े, महाराणा ने मानसिंह पर भाले का वार किया। मानसिंह होदे में झुक गया और हाथी उसे लेकर भाग निकला। हाथी की सूंड के वार से वार ने चेतक को घायल कर दिया। हल्दी घाटी से एक कोस दूर बलीचा गांव के पास एक नाला पार करते समय चेतक ने गिरकर प्राण दे दिए। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात राणा प्रताप ने सोधा की पहाड़ियों में अपना शिविर बनाया। युद्ध के समय विजय की आशा न होने पर राणा ने आज्ञा दी थी कि सब फसलें जला डालो और खेतों को नष्ट कर दो, ताकि ऐसा न हो शत्रु अन्न प्राप्त कर अधिक शक्तिशाली हो जाए। राणा के बचे कुचे सैनिकों की भूखों मरने की नौबत आ गई। यहाँ तक कि राणा के यहाँ घास की रोटियाँ पकाई गई, परंतु भाग्य में वह भी नहीं थी। उनकी अपनी बच्ची के हाथ से एक वन बिलाव घास की रोटी छीनकर भाग गया और वह रोने लगी। राणा से रहा न गया और उन्होंने अकबर को संधि पत्र भेजा। संधि पत्र मित्रता का प्रस्ताव भेजना, जिसे देखकर राजकवि पृथ्वीराज बहुत विचलित हुए। बहुत विचलित होने का मतलब होता है बहुत दुखी होना। उन्होंने अकबर से कहा कि यह हस्ताक्षर राणा के नहीं है, यह शत्रु का धोखा है। पृथ्वीराज ने प्रतिज्ञा की कि वे अपनी कविता की प्रेरणा से राणा को जागृत करेंगे। पृथ्वीराज की कविता भरा पत्र पाकर राणा का सोया हुआ स्वाभिमान जाग उठा और उन्होंने पृथ्वीराज को संदेश भेजा कि उनके पत्र का उत्तर लेखनी से नहीं तलवार से देंगे। इसके पश्चात दूसरा युद्ध हुआ और धीरे धीरे राणा ने 32 दुर्गों पर विजय पाई। कितने दुर्गों पर? 32 दुर्गों पर। परंतु वे अभी चित्तौड़, अजमेर और मॉडलगढ़ न जीत पाए थे कि 19 जनवरी 1597 को 57 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। राजपूतों में बड़े बड़े वीर योद्धा और सेनानी हुए, परंतु राणा प्रताप जैसा धीर, वीर, राष्ट्रप्रेमी और स्वाभिमानी कोई नहीं हुआ। तो बच्चों, ये पाठ मैंने आपको पढ़ाया, आप सभी को समझ में आ गया होगा कि राणा प्रताप ने किस तरह से अपनी वीरता और दिलेरी से अपनी मातृभूमि की रक्षा की और अपना नाम अमर सेना नायकों में की गिनती में उन्होंने लिखवाया। आज भी हम उन्हें याद करते हैं। अभी हम इस पाठ के शब्दार्थ करेंगे। छावर
न्योछावर अर्पित करना, अग्रणीय सबसे पहले, प्रवीण कुशल, सम्राट राजा, महाबलशाली बहुत बहादुर, आधिपत्य अधिकार, दुर्ग किला, शौर्य यश, सैया बिस्तर, मान इज्जत, आहुति बलिदान, हितैषी भलाई चाहने वाला, अडिग अड़े रहना, कुल वंश, मान मर्दन इज्जत मिट्टी में मिलाना। तो बच्चों ये शब्दार्थ जो मैंने आपको कराया, आप सभी को ये अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।